सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ रोहन। और गाइस, आज हम करेंगे RRBPO का मॉक। ओके, तो ये एक मिनी मॉक होने वाला है जो कि आज ही लाइव हुआ है और 2 तारीख तक आपके पास रहेगा, टेक्स्ट बुक पर अवेलेबल है। उसके लिए आपको पास प्रो लेना पड़ेगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड करके कोड लगा करके आप ले सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या स्कोर रहता है हमारा। 50 क्वेश्चन होने वाले हैं, 30 मिनट हमें मिलेंगी, ठीक है। 50 मार्क्स का होगा और आप लोग भी लगाना और बताना आपका क्या स्कोर रहा इसमें। ओके, सो इसमें मैं एक सेकेंड, ऑप्शनल में क्या है, ऑप्शनल सेक्शन जो कि है ये, और नॉट ऑल द क्वेश्चन विल अपीयर इन द डिफॉल्ट लैंग्वेज, चेंज द पर्टिकुलर लैंग्वेज लेटर, ठीक है। तो और ये का 4th सेक्शन जो मैंने हिंदी में लिया है, ठीक है। द टेस्ट कंटेन्स 5 सेक्शन हैविंग 50 क्वेश्चन, तो 10-10 क्वेश्चन होंगे शायद से, है ना, हर एक उसके सेक्शन के। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक तो है ये, जो इसमें क्वेश्चंस कितने क्या हैं देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं फिर, ओके। तो कंप्यूटर के देख रहे थे, ग्राफिक ये है, स्पोर्ट्स अप टू 4 बिट ईच पिक्सल, और विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स टू एनी कंप्यूटर लैंग्वेज। अरे इनका तो नाम ही नहीं सुना हुआ मैंने, मैं भी सारी हूँ। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्ड प्रोसेसर, वर्ड प्रोसेसर वर्ड प्रेस, वेयर डज द डाटा इज स्टोर वाइल एग्जीक्यूशन एंड रेडली अवेलेबल टू द रैम में होता है ये, या कैशी, कैशी मेमोरी, तो फिर रैम ही, ठीक है, कैशे या फिर रैम, दोनों में से एक होगा। विच सॉफ्टवेयर इज नीडेड टू बूट द कंप्यूटर लोडर, फिर क्या है SRS की फुल फॉर्म बतानी हमें, तो SRS सॉफ्टवेयर रिक्रूटमेंट, सॉफ्टवेयर रिक्रूटमेंट, तो सिस्टम रिक्रूटमेंट सॉल्यूशन, द सेक्शन विद इन डॉक्यूमेंट दैट अपीयर्स इन द टॉप एंड बॉटम मार्जिन आर नोन एज हेडर एंड फुटर। मेल मर्ज इज अ कंपोनेंट ऑफ, मेल मर्ज ये भाई एक्सेल या फिर एक्सेस, वर्ड प्रेस, एक सेकेंड, ये जो क्वेश्चन था कहाँ गया, आर नॉट द वर्ड प्रोसेसर, मेल मर्ज इज अ कंपोनेंट ऑफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ द कनेक्शन पॉइंट फॉर ग्राफिक्स कार्ड एंड ऑडियो कार्ड द मदरबोर्ड, ये नहीं पता भाई मुझे। इंटरनेशनल लॉन्च डे, स्कूल
सफलता हर किसी के जीवन का लक्ष्य है। जीवन चुनौतियों और डैश से भरा है, लेकिन चुनौतियों और चेतावनी आकांक्षाओं में देखता हूँ। चेतावनी तो आएगा नहीं, क्षमताएं भी नहीं, अवसरों आकांक्षाओं, लेकिन केवल उन्हीं लोगों के लिए वास्तव में अवसरों को प्राप्त करने और चुनौती अवसर आएगा फिर इसमें, ठीक है। अवसरों को प्राप्त करने और चुनौतियों का सामना करने के लिए, लेकिन केवल उन्हीं लोगों के लिए जो वास्तव में अवसरों चुनौतियों का सामना करने के लिए समय करते हैं, चुनौती करते हैं, संघर्ष करते हैं। कड़ी मेहनत और संपूर्ण डैश की यात्रा एकमात्र मंत्र है। कड़ी मेहनत और संपूर्ण डैश की यात्रा फिर उत्साह और कड़ी मेहनत के बिना कोई भी सफलता हासिल नहीं कर सकता। हो सकता है कई अवसरों पर आपको सफलता पर व्याख्या देनी पड़े। हम यहाँ सफलता के विभिन्न नमूनों साझा कर रहे हैं, तो आपको अपने दर्शकों के लिए एक डैश व्याख्या देने में मदद करेगी। दर्शकों के लिए प्रभावशाली योग्यशाली कर मानव यहाँ हम यहाँ सफलता के विभिन्न नमूनों साझा कर रहे हैं जो आपको स्कूल स्तर पर आप शिक्षक दिवस वार्षिक जैसे आदि अवसरों पर सफलता पर छोटी व्याख्या का उपयोग कर सकते हैं। फिर कैदिकल में से पर्यायवाची ईष्णा ने बता शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। पचाट टालना उत्कृष्ट में भी यही होगा और शीघ्र नष्ट होने वाला के लिए एक शब्द क्षण भंगुर। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है यार, ये कभी पूछे तो गए नहीं, फालतू में क्यों देते हैं। खुश अक्षर के बिना किस शब्द से पहुंचा है। खुश, ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या कुछ दे रखा है। ठीक है, पहले ये करते 300, तो ये तो भाई इंटू 1+1 इंटू 2+2 इंटू 3+3 हो गया इंटू 4+4 और इंटू 5 करेंगे 64, 5×20 2×6×35 32 प्लस 5 हो गया इंटू 1+1। अच्छा ये 0 ही तो गलत है, ठीक है, और फिर ये क्या, ओके तो 5 आ जाएगा 5x+3 5=155 35 जाएगा तो 0 2 1 5 गया तो 24 आ गई x की वैल्यू, यहाँ से 19y और =279 में से 13 जाएगा 6 6 2 और 19 जाएगा 1 बचा 7 6 4 y आगे 14 तो x इज ग्रेटर देन y। फिर है जेट्स की
goes 5 km upstream u minus v and 5 km u plus v. 1 hour the jet ski, 4 upstream, 6 downstream, ठीक है, 5/6 वो. अब हमें और फिर इसमें क्या है, इतने 24 hour u minus v 8 और सेम डिस्टेंस 24 ही 6 में u plus v 6/4 आ गया और 8 का 2 और 5 और 1 6 8 ये 24 ही तो होता है. निकालना क्या है, व्हाट इज द कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बोट. स्पीड ऑफ बोट तो 7/2 हो जाएगा इसका तो. और यहाँ से बोट की स्पीड निकालने में क्या आ सकता है, इधर नीचे हमें 6 तो फिर 3 का मल्टीपल होना चाहिए ना इधर, या फिर 6 जब 24 u माइनस v प्लस 36 u प्लस v इंटू में 5, तो यहाँ से अगर नहीं बेहतर और इधर भी बेहतर रख दे वो बन गया 1/3 बनेगा, लेकिन फिर ये तो नहीं बनेगा. 12 और 12 से 2 पर जाएगा, ये भी नहीं बनेगा. 8 4 नहीं, फिर कितना बन सकता है, 8 और 9 चौक, ये भी नहीं बनेगा. वो क्या कह सकते हैं इनके, 6 8 10 नहीं होगा, 12 24 यही कुछ हो सकते हैं इनके वैसे तो. अगर इधर हम 8 रखें 1/2 1/4 तो नहीं, 1 3 और 2 आना चाहिए इस टाइप से, तो 8 और इधर 3 कैसे आएगा, 18, लेकिन फिर ये कॉमन नहीं बना. 4 प्लस 6 6 3 2 3 2 6 हो गया, ठीक है, तो यही आएगा 8 और फिर इधर 18, लेकिन इसमें बड़ा बन जाएगा फिर ये, तो ये 3 2 6 3 2 5 बन गया. तो यहाँ से जो है बोट की स्ट्रीम बोट की जो स्पीड है वो ज़्यादा आएगी, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हो गया था ये. काम करते हैं ये वाला, देखते हैं मेल की पॉपुलेशन और फीमेल की पॉपुलेशन, ये दे रखी है. और क्या है, द लिटरेट मेल पॉपुलेशन एंड इलिटरेट फीमेल पॉपुलेशन ऑफ 5 आर गिवन बिलो. बनाना पड़ेगा ए बी सी डी ई. सो यहाँ से ये तो हो गया मेल, टोटल मेल हो गए, और फिर लिटरेट मेल, ठीक है, फिर यहाँ से टोटल फीमेल, और फीमेल कौन सी दे रखी है, इलिटरेट फीमेल, ठीक है. टोटल जो मेल हैं ये वाले हैं 4000, और ये सेंटर में है शायद से, है ना, 4.5 होगा ये, और ये भी सेंटर में 5.5, फिर ये हो गया 6000, तो ये हो गया 6500, ठीक है. और ऐसे ही टोटल फीमेल 3500, 4000, इसमें 5500, इसमें हो गया 5000, ठीक है. और लिटरेट मेल जो हैं वो 3000 हैं, 3.5, 4.5 और फिर ये कितना है, 4000, 5000, ठीक है. इलिटरेट 1000, 1000, यहाँ से करेंगे तो 1500,
और इसका हम लिटरेट भी निकाल सकते हैं, लिटरेट फीमेल इधर लिख लेंगे, ये कितना आ गया 2500, ये कितना आ गया 2500। अगला क्या है, 2500, 3000 और फिर 2000, तो ये हो जाएगा 3000। बाकी हम निकाल लेंगे क्वेश्चन करते करते। अब एक काम करते हैं, इसको हम ऐसे कैसे रख लेते हैं, तो एक काम आएगा और नेक्स्ट पेज पर हम सोल्व करना इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस टेबल की मदद से इसको अब सोल्व करेंगे हम। ठीक है, फिर क्या है, क्वेश्चन देखते हैं। विलेज दी है जो कि पॉपुलेशन इंक्रीज एट द रेट ऑफ पर ईयर अपकमिंग टू नेक्स्ट के वाइल, तो डी हमारा कहाँ है, डी में टोटल वैसे ये कितने हो जाएंगे, 11000, 6 और 5 11500। ठीक है, एंड फिर क्या है, लिटरेसी रेट डिक्रीज एट द रेट ऑफ 10%, लिटरेसी जो है वो गिरता जा रहा है, लेकिन इलिटरेसी कितना है, मैन में तो है ये 2000 और फीमेल में है 2500। इसका 20% अगर हम निकालेंगे इंटू 2, 0, 5 × 10, 9 × 30, 2, 0, 0, 5, 3, 8, 2, 1, 3, 1। ठीक है, और फिर ये जाएगा कट, और फिर 0, 8 × 16, 1, 3 × 6, 1, 7, और यहाँ से 2, 0, 6, 8, 6, 15, 3, 3, 6, 1, तो ये हो गया। इधर जो आंसर आएगा ये 12000 में से दोनों में से ही कहीं कोई आएगा एक। ठीक है, ये कितना है, 4.5, 4.5 का 10% कम किया ना, 10% कम करेंगे तो कितना आएगा, 450 माइनस करेंगे 0504, इसका फिर 10% कम करेंगे तो 405 फिर कम करना पड़ेगा, 5, 4 और यहाँ से 36, 36, 4, 5 इधर 5 आएगा 1, 15 × 6 = 9, क्योंकि यहाँ पर कितना आएगा 12, 12, 915 आ जाएगा इसका आंसर। मेल इन एफ, तो मेल जो है एफ में 20% मोर देन द डी, डी में हो गए तो 6 × 12, 7200 हो जाएंगे एफ में मेल। ठीक है, द फीमेल इन एफ, एफ में फीमेल 10% लेस देन द ई, तो ई में है 5000, 500 कम हो जाएंगे 450 हो गई, तो द रेशियो ऑफ द लिटरेसी एंड फीमेल इतना है, टोटल इतने लिटरेट, एक सेकेंड, टोटल लिटरेट मेल्स ये कितना है, पहला मेल है फिर फीमेल है 5, तो टोटल लिटरेट जो मेल्स हैं 13 × 5, 0, 5, 5 × 25, तो फीमेल इलिटरेट हमें बताना है तो कितने हो जाएंगे, 2000 हो जाएगी। इन विलेज ए 9% एजुकेटेड पीपल वर्क इन बैंक, विलेज ए में कितने हैं भाई, लगेंगे तो लिटरेट वाले ही वैसे है ना, तो लिटरेट वाले हैं 3, 2, 5000, और अगर ये तो गए लिटरेट, और टोटल अगर हम देखें टोटल हैं 4, 7500, 7% एजुकेटेड पीपल बोला है ना इसने, एजुकेटेड का 9% तो एक हो गया जो बैंक में है, 7% पीपल एसएससी, देन फाइंड द टोटल नंबर बैंक, और ये 9, 6, 16, ठीक है 6, 5, 30, 3, 6, 5, 30, 35, 36, 37, 38, 60, यही आना चाहिए, 5, 3, 8। ठीक है, रेशियो ऑफ द इलिटरेट मैन
इलिटरेट जो कि मेल हो गए, विलेज इलिटरेट में कितने आ गए, सी डी और ई, सी में हो गए 1000, 2000 और ये हो गए 1500, के 5, 1, 2, 2, 2, 4 हो गए, और किसके साथ लिटरेट फीमेल जो कि ए बी और सी में 5, 6, 7000, ठीक है, 2 0 कट जाएंगे, ये कितना है 7 × 2 = 14, 9 × 2 = ये 9 आ जाएगा, 9 और 14, ठीक है। अब कौन सा रह गया, रीजनिंग का देख लेते हैं एक बार हम, कि इसको करते हैं हिंदी, और ये है क्या वैसे, परमिशन टू रिटर्न सफिशिएंट टू गिव द आंसर, तो क्या है, देर आर 4 पर्सन हैव द रैंक इन आर्मी, हाईएस्ट रैंक इज जनरल कॉलोनल मेजर एंड कैडेट, ईच हैज डिफरेंट एज, व्हाट इज द सम ऑफ द हाईएस्ट एंड द स्मॉलेस्ट, ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि कॉलोनल एज इज इक्वल्स टू द सम ऑफ इसकी जो एज है, इस सम ऑफ द कैडेट और ये मेजर की एज है जिसने 62, नहीं निकलेगा इससे, द एज द पर्सन हु इज कॉलोनल इज 6 ईयर ग्रेटर देन, दोनों की जरूरत होगी, बोथ आर रिक्वायर्ड। फिर क्या है, ऑन विच डे डज मीना सेलिब्रेट देयर बर्थडे, ठीक है, तो मीना ब्रदर सेलिब्रेट ऑन, मीना का जो ब्रदर है वो 20 को, एंड मदर इज 20 December, वो हो गया ब्रदर, एंड मदर इज 8 after 8 days, तो 28 को मदर का हो गया, मदर हो गया, ब्रदर हो गया, और मीना सेलिब्रेट हर बर्थडे 5 days आफ्टर हर फादर सेलिब्रेट हिज, एंड फादर इज 22 विच इज फादर सेलिब्रेट हिज बर्थडे ऑन 22, और मीना जो है 5 days आफ्टर विच इज 6, तो ओनली सेकेंड सफिशेंट। फिर क्या है, स्टेटमेंट अजम्पशन वाले हैं ये, फोन्स इज नॉट अलाउड इन द पेट्रोल पंप, नोटिस इन द पेट्रोल पंप, अजम्पशंस क्या क्या हैं इसकी, ऑल दोज हु वर सेल टेकिंग अवॉइड, ऑल दोज हु हैव सेल फोन विल अवॉइड टेकिंग फोन एट द पेट्रोल पंप, मे हैव ऑब्जेक्ट सच एज फ्रीडम, द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू प्रोवाइड मॉनिटरी रिलीफ टू द फार्मर्स इन द ड्रॉथ एरियाज, ठीक है, तो फिर क्या, द फार्मर्स ऑफ द अफेक्टेड एरियाज में एक्सेप्ट द गवर्नमेंट रिलीफ, मुद्रिक राहत देने का फैसला किया, प्रभावित क्षेत्रों में के किसान सरकारी राहत को स्वीकार कर सकते हैं, सरकारी कर्मचारी प्रभावित किसानों तक राहत पहुंचाने में सक्षम हो, प्रभावित क्षेत्रों के किसान सरकारी राहत को स्वीकार कर सकते हैं, दिव्या वॉज एडवाइज बाय द डॉक्टर दैट शी शुड नॉट टेक पार्ट इन द डांस कंपटीशन, द डॉक्टर डिड नॉट वॉन्ट दिव्या टू टेक पार्ट इन द कंपटीशन बिकॉज ही वॉज अफेयर दैट शी माइट लॉस हिज मेजर सर्जरी बिफोर हिज, यार ये तो अब है कि ये दे रखे हैं 19, देखते हैं होगा या नहीं, 1930, 1947,
1952, 1960, 1977, 1986, 1991, 1995. और जो कि हैं एज वॉज कैलकुलेटेड 2017, देखते हैं 17 तो ये हो गए 17 और 5 22, ठीक है 22 और 4 हो गया 26, एक सेकेंड 17 कम हो गया और 9 26 हो गया, सही है 26 31 और इसमें कितना है 86 सही है 6 7 8 9 9 और ऐड कर देंगे तो 40 हो गया, 40 में 57 और 8 और ऐड कर देंगे तो 65, 65 में 3 तो 5 ऐड करेंगे तो 70, 70 80 और 87 हो गए, ठीक है। और द यंगेस्ट पर्सन वर्क इन द विजया बैंक हो गया और एज ऑफ के इज एन ओल्ड नंबर बट इज नॉट द ओल्डेस्ट, के इसमें हो सकता है या फिर के इसमें, और विजय हो गया ये। द पर्सन वर्क इन बी ओ बी इज 31 ईयर ओल्ड बट नॉट टू बी ओ बी इसमें हो गया, शू नहीं आएगा। और इसमें ये बता डिफरेंस बिटवीन द एम और एन इज सेम एज द एज ऑफ पी, पी इज एन ओड नंबर, ओड नंबर तो एक तो ये है, दो है और ये तीन है, ठीक है। निकालेंगे कैसे, बहुत ज़्यादा आर इज यंगर टू एम, एम जो कि एस बी आई में है तो एक तो ये हो सकता है 26, ये बनेगा नहीं 65 अगर देखे, 5 4 9 ये भी नहीं बनेगा 74 तो ये भी नहीं बनेगा, ठीक है। इसमें आगे देखते हैं ओ वर्क इन आरबीआई, ओ का दे दिया आरबीआई में, ओनली 2% बोर्न बिटवीन आईडीबीआई और यूनियन, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन क्यू और एल जो कि है एक्स के, मान लेते हैं हम परफेक्ट के, द पर्सन हु वर्क इन आईडीबीआई 5 ईयर एल्डर, ठीक है, इक्वल्स टू में 5 प्लस एचडीएफसी। अब ये तो फिक्स करना पड़ेगा हमें, ठीक है। इसका मैं देख रहा था 22 और फिर वहाँ से बना सकते हैं 3 नहीं बनेगा, 8 भी नहीं, फिर क्या बनेगा भाई। और यहाँ से अगर देखें 3 नहीं बना, 21 22 कुछ बन ही नहीं रहा, इधर से 26 का हो गया, 31 का अगर देखें हम 6 और 2 26 बनेगा नहीं, ये तो आ ही नहीं सकता। फिर 4 नहीं बनेगा, एक सेकेंड इस स्टार्टिंग से देखते हैं 4 नहीं बनेगा, तो यहाँ से 11 में से फिर 9 है ही नहीं, फिर डिफरेंस है ना पी के इक्वल होगा तो 8 बनेगा, यहाँ से 3 तो 3 है ही नहीं, फिर 8 फिर 5 ना यहाँ से नहीं, फिर यहाँ से देखते हैं ये तो हो ही नहीं सकता, फिर ये भी नहीं होगा वो भी नहीं होगा, और 15 9 तो है ही नहीं, 4 वहाँ से 1 और 6 नहीं बनेगा, ये देखें तो 9 नहीं बनेगा, 6 नहीं बनेगा, 4 9 नहीं है, इसमें तो बनेंगे ही नहीं, ठीक है। फिर ये देख लेते हैं हम, अब यहाँ से डिफरेंस वैसे बनेगा किसमें यार, 4 4 8 5 एक ये भी तो है, 5 हो गया कि इसमें भी तो आ सकता है, ये भी तोड़ है, नहीं बनेगा भाई, ये टाइम ही खत्म होगी,
पीओवी हो गया ये, है ना। और फिर पांच, पांच और छः, तो ये बनेंगे इधर आएगा पी, है ना, एन आएगा इधर और एम आएगा इधर। एक सेकेंड एक सेकेंड, एम आएगा इधर, पी आएगा इधर, ठीक है, ये बनेगी एम और यहाँ से एन और ये पी, ये होगा नहीं, ठीक है। तो ये हमारा फिक्स हो गया एम के नीचे। देखिए कैसे बनाए, अब हम पूछा गया एच डी एफ सी का पता नहीं है, एल डैश होगा किन, एम आएगा, एम एस बी आई हो जाएगा, ठीक है, एम एस बी आई है, लेकिन पी एन बी का हमें पता ही नहीं है, और क्या है, नहीं एल एंड द आर बी आई की एज ये नहीं पता भाई, एम एस बी आई तो ये तो हो गया सही है। सॉरी, तो टेस्ट तो हो गया कंप्लीट, इससे अच्छा तो मैं कोई और ही कर लेता, बना ही नहीं है तो पूरा क्वांटिटी देख लेता, इससे अच्छा तो मैं फिर अभी स्कोर देख लेते हैं, पता नहीं कितना गंदा आया होगा। सो 19.81 मेरा स्कोर है, काफ़ी सारे गलत हुए हैं, तो मुझे लग रहा है ज़्यादा से ज़्यादा जो गलत हुए होंगे हिंदी और बस उसी में हुए होंगे कंप्यूटर में। तो गाइज़ ये मेरा स्कोर है, तो आप लोग बताना आपका क्या स्कोर रहा इस मॉक में। मिलते हैं गाइज़ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।